आगे बढ़ते और बात भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की। मनोज मुंतशिर की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि उन्हें लीगल नोटिस मिला है। मनोज मुंतशिर को हिस्ट्री फोरम ने नोटिस भेजा। दरअसल मनोज मुंतशिर ने भोपाल के गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान कुछ बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि नवाब हमीदुल्ला खां आतंकी थे और भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां को उन्होंने लुटेरा बताया था। अब कुछ इतिहासकार हैं, उन्होंने मनोज मुंतशिर को नोटिस भेजकर इस दावे को साबित करने को कहा है। एक महीने का समय दिया गया है मनोज मुंतशिर को और ये कहा कि आप इसे साबित करें और अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो भोपाल में पहुंचकर ही सार्वजनिक रूप से आपको माफी मांगनी होगी। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं मनोज मुंतशिर की। गीतकार मनोज मुंतशिर भोपाल के गौरव दिवस कार्यक्रम में नवाब दोस्त मोहम्मद खां को लुटेरा और हमीदुल्ला खां को आतंकी उन्होंने बताया था। मनोज मुंतशिर साहब ने उस प्रोग्राम में ये कहा है कि मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं और अगर गलत है तो कोई इसको बताए, और हमने तमाम ऐतिहासिक तत्व उस नोटिस में लिख दिए हैं। तो आप बताएं कि आप किस तरीके से वो आतंकी थे, क्या उन्होंने किया था। और बीजेपी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि साहब नवाब भोपाल जो है वो लुटे थे, वो आतंकी थे, आज तक नहीं कहा। तो ये उन्होंने किस बेसिस पे कहा, या नवाब दोस्त मोहम्मद खां को किस बेसिस पे कहा कि वो लुटेरे थे, जबकि नवाब दोस्त मोहम्मद खां को रानी कमलापति ने अपने पति का बदला लेने के लिए बुलाया था और उन्होंने उनको भाई बनाया था, उन्होंने उनको बहन बनाया था, बहन भाई का पाक रिश्ता था वो तो, और उसके बाद उनको लुटेरा कह रहे हैं। तो भैया इसका आप कोई प्रमाणित सबूत दीजिएगा। तो चलिए सुनवाते हैं आपको गौरव दिवस के मौके पर मनोज मुंतशिर ने क्या कुछ कहा था। ये कहना चाहता हूं, यहां मेरा उद्गार है कि ये दोस्त मोहम्मद जैसे लुटेरे और हमीदुल्ला जैसे आतंकी का नगर नहीं है, ये राजा भोज का नगर है। वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे, आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे संवाददाता सूरज शर्मा का रुख करते हैं। सूरज, मुश्किलें बढ़ सकती है क्या मनोज मुंतशिर की? देखिए, खासतौर से भोपाल हिस्ट्री फोरम की बात करें तो एक वकील के माध्यम से नोटिस दिया गया है गीतकार मनोज मुंतशिर को, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 1 जून को स्थापना दिवस के दौरान जिन्होंने भाषण दिया, इसमें खासतौर से उन्होंने दावा किया है कि इतिहासकारों की बात करें तो उनकी तथाकथित इतिहास की बात करें तो किस तरीके से राजा भोज ने ही भोपाल की स्थापना की थी और आतंकी हमीदुल्ला खान या दोस्त मोहम्मद लुटेरा बताया गया था, तो वो प्रमाणित करें कि आखिर कौन से इतिहासकार में, कौन सी हिस्ट्री में इस बात का जिक्र किया है। जबकि यदि बात करें तो 1050 से लेकर 1700 की 1050 तक राजा भोज का शासन भोपाल में था और भोपाल की स्थापना 1723 में हुई थी। तो ना तो राजा भोज के नाम पर कोई भोपाल में कोई बड़ा भवन है, ना कोई शासकीय महल है, ना कोई ऐसी संस्था है जिससे ये साबित होता है कि राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी, क्योंकि उनका शासन 1000 से 1050 के बीच में था और भोपाल की स्थापना 1723 में हुई थी। तो आखिर वो साबित करें कि कौन से इतिहास के आधार पर उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, उसको लेकर साबित करें। और वहीं हमीदुल्ला खां की बात करें तो आतंकी के आधार पर कहा गया है, जबकि तमाम भोपाल के इतिहासकारों की बात करें तो हमीदुल्ला खां का शासन अच्छा रहा है और 1723 में उन्होंने स्थापना की थी। तो आखिर किसके कहने पर, कौन से इतिहासकार के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, इसको लेकर वो तथ्य पेश करें, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित किया है। ऐसे में 1 महीने का नोटिस उन्हें दिया गया है कि 1 महीने के अंदर वो साबित करें कि किस इतिहासकार के आधार पर, कौन से हिस्टोरिकल बुक के आधार पर, कौन से तथ्य के आधार पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो हिस्ट्री फोरम कहेगा वो कानूनी कार्रवाई आने वाले समय में करेंगे। तो कुल मिलाकर मनोज मुंतशिर की माना जाए कि अब कानूनी दायरे में बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिस्ट्री फोरम इस बात पर सबसे महत्वपूर्ण बात सूरज के जो दावा, जो बड़ी बात उन्होंने खुले मंच से कही थी तमाम दिग्गजों के सामने, उसे अब मनोज मुंतशिर को साबित करना होगा। ऐतिहासिक चीजों के जरिए ही उन्हें ये बताना होगा और अगर नहीं बता सके तो माफी की मांग भी की गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।